तो फ्रेंड जैसा चौथा टेस्ट है हमारा, जैसा मैं आपको बता दिया था कि बर्निंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो एज यूजुअल बर्निंग टेस्ट, और ये है हमारा लास्ट टेस्ट जो पर्ल में होगा, ठीक है। तो ये राइट साइड में मैं आपको नेचुरल पकड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये नेचुरल है, और लेफ्ट साइड में ये डुप्लीकेट है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब मैं इसको देखने वाला हूँ ये कौन सा कितना खराब होगा, ठीक है। ये तो प्लास्टिक का बना हुआ था, ये तो आसानी से जल जाएगा, लेकिन ये नेचुरल है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ आता है, यानी पाउडर से बना होता है, ये जलेगा नहीं, ठीक है। दो भी हम इसको यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो जैसा देखिए 5 या 10 सेकेंड हम इसको रखेंगे, यू कैन सी, देखिए ये जो डुप्लीकेट पे है ना, देखिए आई एम सॉरी, डुप्लीकेट भाग वो फूट गया, ठीक है। तो ये नेचुरल नहीं फूटा, ब्लैक तो हो गया, लेकिन इसको आप आसानी से इसको धो सकते हैं। देखिए ये जो ये थोड़ा गर्म होगा, मैं अभी इसको नहीं छीनने की कोशिश करूँ। तो ये है लेफ्ट साइड हमारा, ये फूट गया, देखिए देखिए, ये डुप्लीकेट होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक का बना हुआ था, थोड़ा इसको बांध देंगे ना तो फूट जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल है, इसको कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं ये तो ऑफकोर्स ये तो ब्लैक हो गया, लेकिन मैं आपको वाइट करने का अभी मैं आपके सामने ही बता दूंगा इसको वाइट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा फूट गया, ठीक है। तो ये एक पीस नीचे गिरा हुआ है और दूसरा पीस ऊपर है, ठीक है। देखिए मैं बता दूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये पीस नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हाथ में मेरे फूट गया, तो इसको वेट कैसा करते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड जैसा हमने जो जो बर्निंग टेस्ट किया था हमारे कैंडल टेस्ट से, तो एक तो फूट गया डुप्लीकेट, तो ये ओरिजिनल है। मैंने आपको बता दिया था कि कैसा ये क्लीन करते हैं, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसा क्लीन कर सकते हैं। इसको पानी में भी डाल के आप थोड़ा 1-2 घंटे के बाद भी इसको पाक कर सकते हैं, और आप जो नेल पॉलिश है ना उसमें भी डाल के आप इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने क्लीन करके बता देता हूँ। इसमें थोड़ा बचा हुआ है नेल पॉलिश रिमूवर, तो मैं इसको आपके सामने, थोड़ा थोड़ा गर्म है ये, देखिए ये इसका पूरा जो आउटर है ना ये पूरा नेल पॉलिश से आपको निकल जाएगा, ठीक है, आप टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा बर्निंग टेस्ट, ठीक है। देखिए ये आपको आसानी से नेल पॉलिश में ये रिमूव हो जाएगा, ये जो ब्लैक स्पॉट रहता है ना, ब्लैक एशेस रहते हैं ना कैंडल के, तो ये था हमारा बर्निंग टेस्ट। देखिए ये साफ हो गया, तो मैं आपको बता दिया कि कैसे साफ है। तो इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहिए। आप सभी सभी का धन्यवाद मेरी वीडियोस देखने के लिए। और भी आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं आप। जैसा दूसरे यूट्यूबर्स हैं, मैं आपको फोटोज के जरिए नहीं बताऊंगा, आपके सामने ये डुप्लीकेट है और ये नेचुरल, आपके सामने ही मैं आपको बता दिया। तो ये था हमारा पर्ल टेस्ट, यानी साउथ सी पर्ल, केशी पर्ल, ये था हमारा इसका टेस्ट जो आप घर पर कैसे कर सकते। तो ये था हमारा, ये तो हमारा क्लीन हो गया।